Myself is Gyanendra Mudgal, and I am the Chief Operating Officer of AXA International Cabin Crew Training Institute. So basically, हम लोग training करते हैं aviation related subject को लेकर, service related subject को लेकर, hospitality related subject को लेकर. मैं आपको aviation के बारे में थोड़ा सा introduction दे देता हूँ. जो बच्चे, जो students, जो छात्र छात्राएँ aviation में अपना career बनाना चाहते हैं, suppose कोई क्रू बनना चाहता है, कोई ग्राउंड स्टाफ बनना चाहता है, कोई कमर्शियल पायलट बनना चाहता है, कोई टेक्नीशियन बनना चाहता है, तो उसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं. मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हम लोग फ्लाई करें, हम लोग 34,000 फीट पर फ्लाई करें, वहाँ से हम लोग अपने देश को देखें, अपने विदेश को देखें. हम चाहते हैं कि हमारा शहर ऊपर से कैसा दिखता है, ये सब हमारा ड्रीम होता है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, हम लोग क्रू कैसे बन सकते हैं. क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए रहता है वो 10+2 रहता है विद एनी सब्जेक्ट. मे बी इट कुड बी आर्ट, इट कुड बी कॉमर्स, इट कुड बी साइंस, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, सो अगर आप 10+2 पास हैं, उसके बाद आप केबिन क्रू की ट्रेनिंग कर सकते हैं. ये हमारी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है. उसके अंदर हम आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग्स देते हैं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग आपको हम लोग देते हैं, आपके कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग हम लोग आपको देते हैं, सर्विस ओरिएंटेड ट्रेनिंग हम लोग आपको देते हैं, और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इमरजेंसीज को कैसे. हेलो हेलो, चेक सम प्रॉब्लम विद द माइक. या इट्स ओके नाउ. बेसिकली मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कैबिन क्रू को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है. जब आप किसी कैबिन क्रू को देखते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि उसकी ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. आप में से कोई मुझे बता सकता है, किसी को आइडिया है? एक बार माइक जो है वो स्टूडेंट की तरफ दे दीजिएगा. दुष्यंत, ये मैं अपने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, इनमें से कितने लोग जो हैं अपना करियर एविएशन फील्ड में बनाना चाहते हैं, हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं? कितने बनाना चाहते हैं बताइएगा. आई कैन सी ओनली वन स्टूडेंट, वन फीमेल इज देयर. वेरी नाइस. वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको भी यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आप उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप कैसे बन सकते हैं. इसके अलावा और कोई है आपके अंदर से जो मे बी उसका ड्रीम हो पायलट बनने का, मे बी उसका ड्रीम हो एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने का, ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर, कोई स्टूडेंट है? दरअसल ऐसे बच्चे मिले ज्ञानेन जी, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिछला कुछ वक्त आपने और हमने देखा है करीब से एविएशन को लेकर जितनी अस्थिरता हमको देखने को मिली उस दौर में, उतनी अस्थिरता इसके पहले कभी एविएशन में नहीं देखी. आज के दौर में एविएशन अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा करियर को लेकर असुरक्षित जो महसूस किया युवाओं ने, जब वो खबरें पढ़ता था हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, खबरें देखता था कि आज इतने हजार क्रू को निकाल दिया गया, आज 400 एयर होस्टेस की नौकरी चली गई, तमाम देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी के जितने भी व्यक्ति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चले गए बाहर देश. तो एक उसके दिमाग में करियर को लेकर, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें निकलकर सामने आई वो करियर की बड़ी अनिश्चितता को लेकर थी कि चकाचौंध की दुनिया ऊपर से दिखती तो बहुत अच्छी है और जगमगाती हुई आसमान में सितारे दिखते हैं, लेकिन करियर उतना अंधेरे में तो नहीं जा रहा है. ये सबसे ज्यादा सवाल है. जब आप आ रहे थे इसके पहले तो हम इस पर बात कर चुके थे, तो वो सवाल जरूर इन बच्चों के मन में है. यही कारण है कि हाथ नहीं उठ रहे होंगे, तो आप पहले वो दूर देख कर दीजिएगा. मैं आपकी मन में उठ रहे सवालों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसका सामना पूरे विश्व ने किया था, और इस तरह की समस्याएं विश्व के हर देश के सामने उत्पन्न हुई थी. लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं, जैसा कि सर ने बोला कि बहुत सारे क्रू थे जिनको कंपनी ने आस्क टू लीव बोला और कई लोगों को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, लेकिन आज की जो सिचुएशन हमारी चल रही है, जहां पर हमारी भारत सरकार और हर राज्य सरकार
एविएशन को बहुत बढ़ावा दे रही है, नेटवर्क क्रिएट कर रही है जिससे लोगों का टाइम बचे, टाइम सेव हो और इंडस्ट्रीज़ हर शहर के, हर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में पहुँचे। तो यहाँ पर कुछ एयरलाइन ऐसी भी हैं जिन्होंने सपोज़ 400 क्रू को छोड़ने को बोला होगा, उन्होंने नए रिक्रूटमेंट करने की जगह उन 400 क्रू को घर घर जाकर वापस बुलाकर उनको एम्प्लॉयमेंट वापस दिया है। शायद आप इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी क्रू लोगों की जॉब गई थी वो वापस आज फ्लाई कर रहे हैं और 34,000 फीट पर ही फ्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ वो कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आई थिंक वो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर एयरलाइन की जो उन्होंने पूरी की है। अब मैं अपने उन मैडम के पुराने सवाल पे वापस आता हूँ। वो पूछना चाह रहे थे कि क्रू बनने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ किया, आपकी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकती है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है इंदौर में अक्सा, वैसे हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, उनका आपने नाम सुना होगा। आप उन इंस्टीट्यूट में जाइए, उनसे पूछिए क्या प्रोसेस है। बेसिकली इसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 10+2 आपका होना जरूरी है, उसके बाद आप 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आपको सर्विस रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, आपका कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग आपको प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए डिफरेंट एयरलाइंस में भेजते हैं और दैट्स हाउ यू विल गेट द जॉब एंड यू बिकम एज अ कैबिन क्रू। सो दिस इज द प्रोसेस इन वेरी सिंपल प्रोसेस। एंड लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रदेश है या और जो दूसरे प्रदेश हैं मेट्रोस को छोड़कर, वहाँ पर 90% लोग एविएशन के बारे में अवेयर ही नहीं है। अगर मैं किसी, मैं जैसे मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं मुरैना में जाके किसी को बोलूँ कि भाई अगर आपको पायलट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक ही आंसर होता है कि सर मुझे शायद एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा तभी मैं पायलट बन पाऊँगा। मोस्टली लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कमर्शियल पायलट क्या होता है, मोस्टली लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्रू कैसे बनते हैं। तो एज ए अक्सा नेक्स्ट सत्र से 2023 से हम लोग मध्य प्रदेश के हर एक छोटे शहर में जाकर एविएशन अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग छात्र और छात्राओं को अवगत कराएंगे कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। लेट मी ऑल्सो ब्रीफ यू, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड अगर काम कर रहा है तो आप उससे ये पूछ भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पक्ष अगर कोई इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को देती है तो वो है एविएशन इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ सैलरी वाइज, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड यू विल रियली फील लाइक अ किंग एंड क्वीन व्हेन यू आर फ्लाइंग। सो दैट्स हाउ यू नो आई वॉन्टेड टू मोटिवेट ईच ऑफ यू दैट प्लीज प्लीज इफ पॉसिबल थिंक अबाउट द एविएशन एंड ट्राई अबाउट द एविएशन। बिकॉज जो मैंने फील किया है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूँ। मैं खुद एक छोटे शहर ग्वालियर से हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट में किया था और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि हमारे छोटे शहरों का जो ट्रेंड है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या IAS या PCS बने, मोस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो CA बन जाए। इसके अलावा कोई पाँचवा ऑप्शन सोचता नहीं है। अगर बच्चा वो पांचवा ऑप्शन सोचता है तो माँ बाप थोड़े से डर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा इतना बच्चा, ये पैसा भी लगाऊंगा, इतनी पढ़ाई भी करेगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि इसको जॉब मिलेगा। उसको, माँ बाप को ये दिखता है कि पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर ही बनना चाहिए, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए। जबकि मेरा कहना ये है, ऐसा करने से हम एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं और अपने रोजगार के अवसर को बहुत कम कर रहे हैं। आपका जो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एविएशन को ही सोचिए, पर आप कोशिश कीजिए कि जो डिफरेंट जो जॉब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप 10+2 से उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है छोटे शहरों में 3 या 4 ऑप्शंस को लेकर ही सारे बच्चे उसी की तैयारी करते हैं। दैट्स हाउ कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है, और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता हमको क्या करना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब 10+2 करके निकलें तो अपने आसपास ज़रूर देखिए जॉब के क्या क्या ऑप्शन हैं, करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। और हम लोग जो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं 2023 से, एविएशन अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोग्राम में आप सम्मिलित होइए और अपने अंदर की जो आपकी आशंका हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वहाँ पर प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. एनीथिंग एल्स यू गाइज वॉन्टेड टू आस्क प्लीज़. सबसे बेहतरीन उद्बोधन के लिए सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी के लिए तालियां. अब एविएशन की बात को यहां से शुरू करते हैं कि उड़ना किस किस को पसंद है. सबसे पहले वो लोग हाथ उठाएं जो उड़ना चाहते हैं. अरे करियर में तो उड़ना सब चाहते हैं ना. जहाज में मत उड़िएगा, डर वाली बात नहीं है. अपने जहाज सबसे सुरक्षित है. तो ये मुझे बताइएगा कि क्या इस उड़ान के लिए क्या सवाल है आपके मन में. क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून. हेलो गुड आफ्टरनून अतुल. माय नेम इज अतुल दुबे एंड आई एम फ्रॉम आरआई भोपाल. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट इन एविएशन सेक्टर द क्रू मेंबर्स जॉब इट इज अ सेफ करियर और नॉट, बिकॉज आई डू नॉट थिंक दैट वी लीव aviation means company is there which is profitable and it is means continuously growing, and because of that most of the companies such as if you will take the example of Air India, the government has just sold it to the Tata Group again. So I do not think that this is a safe career. As per me, this is my personal thinking, and how would you justify it that it is a safe career? Okay, sir. Because most of the companies are just getting closed because they are having loss and loss again and again. Thank you, sir. Natul. Question. Bab, मैं आप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि मैं खुद ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ. मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, मेरी शिक्षा भी ग्वालियर में हुई, मेरा कॉलेज भी ग्वालियर में हुआ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए आर्ट से किया क्योंकि मुझे आर्ट अच्छा लगता था, इसलिए मैंने आर्ट ही चूज़ किया. और मेरे प्लानिंग्स कुछ और थे. दो, मेरे पेरेंट्स बहुत अपसेट थे क्योंकि वो भी चाहते थे मैं भी, मेरे जो पड़ोसी के बच्चे हैं जो आज की डेट में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, मैं भी उनकी तरह ही बनूं. जब मैंने आर्ट लिया तो मेरे पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए. उन्होंने बोला कि भाई तूने तो अपना करियर ही ख़त्म कर लिया, अब तू कुछ नहीं करेगा, तू ग्वालियर का ग्वालियर में ही रहेगा. मैंने कहा ठीक है, ये मेरा डिसीजन है, मैं ही डिसाइड करूँगा. उसके बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. वो भी मेरे को लगा था कि हर आदमी के अंदर एक ऐसा होता है कि ये मैं कर लूँगा. मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज कर सकता हूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज की प्रिपेयरिंग के फर्स्ट ईयर में ही मुझे फील हुआ नहीं यार, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊँगा. लेकिन बाय द गॉड ग्रेस मुझे एक ऐसे मेंटोर मिले जो एविएशन फील्ड से बिलोंग करते थे. उन्होंने मुझे बोला व्हाई डोंट यू ट्राई इन एविएशन. तो मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चन आया, एविएशन? मैंने कहा सर उसके लिए तो मुझे एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, वो मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर वो मुझे करना होता तो मैं 10+2 मैथ से करता था, मैं आर्ट से क्यों करता था? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं सर. बोलते नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आपने 10+2 किया है? मैंने कहा यस सर. आपने ग्रेजुएशन किया है? मैंने कहा यस सर. किस सब्जेक्ट से किया है? मैंने बोला सर आर्ट से किया है. बोलते नो वरीज, आपको करना क्या है एविएशन में? उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए, पायलट बनना है, क्रू बनना है, कमर्शियल स्टाफ बनना है, सिक्योरिटी स्टाफ बनना है, ट्रेवल एजेंट बनना है, बनना क्या है आपको? तो बट ऑब्वियस जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो सबका एक ही इच्छा होती है, एक ही मन होता है कि मुझे आसमान में ही उड़ना है. तो मैंने भी बोला कि सर मुझे क्रू बनना है. तो बोलते हैं क्रू बनना है? मैंने कहा यस. अब चूंकि मैं ग्वालियर से बिलोंग, मैं एकदम एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने जो उन्होंने बोला कि आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, आपको क्रू बनना है, पर आपका कम्युनिकेशन तो एकदम जीरो है. बहुत ब्लंटली उन्होंने मुझसे बात किया, आपका कम्युनिकेशन तो एकदम जीरो है, यू कांट इवन फ्रेम द वन सेंटेंस, हाउ यू कैन बिकम द क्रू? तो मैंने भी बोला सर दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू हाउ आई कैन बिकम अ क्रू. तो उन्होंने बोला नो वरीज,
उन्होंने मेरे इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस लगवाया दिल्ली में। 3 महीने मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस किया। उसके बाद मेरा पहला इंटरव्यू था गो एयरलाइंस में। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे गो एयरलाइंस को, मुंबई बेस्ड एयरलाइन है। एंड दैट्स हाउ आई डिड नॉट गेट द चांस इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। इन सेकेंड चांस आई गॉट द यू नो प्लेस इन गो एयर एज अ क्रू। क्रू बनने के बाद मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अब सीधा फ्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट मी जस्ट ब्रीफ यू गाइस, क्रू बनने के बाद आपको 3 महीने का और ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग होता है DGCA का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल का थिंकिंग है अगर आप क्रू बने तो आपको फ्लाइट में जाके सिर्फ सर्व करना होता है टी कॉफी। इवन द कस्टमर्स जो फ्लाई करते हैं उनका भी यही परसेप्शन रहता है कि क्रू का जॉब सिर्फ टी कॉफी सर्व करना है या सैंडविचेस सर्व करना है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रू का फ्लाइट में होना इसलिए मैंडेटरी है बिकॉज क्रू इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ 180 कस्टमर्स, 180 सोल्स ऑन बोर्ड इन काइंड ऑफ एनी इमरजेंसी, मे बी अ फायर इन द एयरक्राफ्ट, मे बी मेडिकल इमरजेंसी, देर कुड बी पॉसिबिलिटी देर कुड बी अ डॉक्टर इन द कस्टमर्स, देर कुड बी पॉसिबिलिटी देर विल बी नो डॉक्टर इन द कस्टमर्स, देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर इन केस ऑफ द हार्ट अटैक, हु विल गिव द CPR, यू नो। So crew will be there, they will give the CPR, they will save the customer's life in case of any emergency, like, you know, fire emergency, any emergency, decompression, anything, crew will handle the situation. So wo jo 3 mahine ka training jo hota hai wo aapka technical training hota hai, wo bahut hi difficult training hota hai. To jab main wo training mein gaya to mujhe wapas laga ki mera to career wapas khatam, kyunki main to arts se hu, mujhe to samajh mein hi nahi aata ki aircraft door kaise open karna hai, मुझे समझ में ही नहीं आता कि CPR कैसे देना है। अगर मुझे CPR ही देना होता तो मैं डॉक्टर बन जाता था। वापस मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन आया, वापस मुझे वो ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट लगी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि मुझे 34,000 फीट पर उड़ना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज अ क्रू। अब मैं आपके पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ, जब मैंने एज अ करियर क्रू स्टार्ट किया तो मेरे सामने भी यही क्वेश्चन था, बाकी लोगों ने, मेरी फैमिली ने भी ये बोला कि भाई कब तक फ्लाई करोगे, एक सर्टेन टाइम तक आप फ्लाई करोगे, 7 साल 8 साल, क्रू के बाद क्या है, आप वापस ग्राउंड पे आओगे, वापस जॉब सर्च करोगे। मेरे दिमाग में भी वही पॉसिबिलिटीज लगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने अपने मेंटोर, अपने सीनियर से बात की, क्रू से मैं सीनियर क्रू बना, सीनियर क्रू से मैं इनफ्लाइट मैनेजर बना, जो क्रू लोगों का हेड होता है। उसके बाद मैं चेक क्रू बना, जहां मुझे दूसरे क्रू के ऊपर चेक्स कंडक्ट करने होते थे, उनको प्रमोट करने के लिए रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी। उसके बाद मुझे चांस मिला मैनेजमेंट में आने का, जहां मैं असिस्टेंट बेस इंचार्ज बना, जहां पर क्रू लोग मुझे रिपोर्ट करते थे, मैं उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता था, मैं कस्टमर प्रॉब्लम रिजॉल्व करता था। उसके बाद मैं स्टेशन हेड बना मुंबई का, उसके बाद मैं रीजनल हेड बना साउथ एंड वेस्ट सर्विसेज का, जहां पर मुझे 3,000 क्रू रिपोर्ट करते थे। तो मेरा कैरियर ग्राफ जो था वो क्रू से लेकर हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ सेफ दिस कैरियर इज, देयर आर वेरियर ऑप्शंस, ओके। देयर आर माय कोलीग्स हु स्टार्टेड इन गो एयर इन 2006, now they are flying with Emirates, and Emirates retirement is 60 years like a government job, and they are getting all the perks. They are roaming around in the world, they are staying in the best of the hotels in the world, they are getting the salary of an Indian currency of 5 to 6 lakh rupees. jahan par hamare IT engineer 5 saal BE karte hain, uske baad 2 saal you know ME karte hain ya dusra post graduation course karte hain, tab unki salary start hoti hai 1 plus se. jahan par ek mere jo colleagues hain 10 plus 2 hai, main कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। नाउ दे आर गेटिंग 5 to 6 lakh रुपीस इन इंडियन करेंसी। तो हमारे दिमाग में वही चीज आती है जो हमको दिखती है और जो सुनाई देती है। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है, आप कोई सा भी करियर पे चूज करना चाहते हैं, प्लीज आप उसकी R&D कीजिए, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए। हमारे पास आज सबसे बड़ा गुरु है गूगल, आप उस चीज पर बैठिए, उस चीज को जानिए कि उस चीज में और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं।